सरदार सरोवर डैम में मेरा मकान भी डूबने जा रहा है और हम ईंट भट्टा जो लगाते हैं ये जमीन भी डूबने जा रही है। जब डूबा रहा कि बारिश भर पूरा डूबे रहेगा, धंधा अपना खत्म। डूबा देते हर साल हमको, हमारी रोजी रोटी हमको क्या करना है। नदी किनारे हम ईंट भट्टा चलाते हैं, पर अब ये क्या है, सरदार सरोवर डैम के गेट लगने से हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। पानी भर जाएगा, हमारे ईंट भट्टे डूब जाएंगे, हमारी खदानें डूब जाएगी, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे कच्ची ईंटें वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है मेरी, और हमको कम से कम बर्बादी की कगार पर लाकर खड़े कर देते हैं। आज तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की पहल नहीं हुई है और ना किसी प्रकार का सर्वे हुआ है। नर्मदा के कुमारों का क्या उनको पीढ़ियों से बनाते आ रहे ईंट भट्टों को छोड़कर मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी? यही सवाल धार जिले के निसरपुर के 110 कुमार परिवार को सताने लगी है, क्योंकि अभी तक कुमारों को ईंट भट्टों का पुनर्वास के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। विकास के नाम पर विस्थापन होता है, और विस्थापन में एक कुमार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, ईंटें बनाता है, उनके व्यवस्थापन के लिए सरदार सरोवर में उनके आजीविका के लिए कोई व्यवस्थाएं आज तक दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हमें अभी तक स्थायी जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं दिया गया, कहीं जमीन डूब सदस्य से बाहर ईंट भट्टा लगाने के लिए अभी तक नहीं दिए गए। और यही हमारा धंधा खत्म हो जाएगा तो हमारे आगे क्या करेंगे, हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, हमारी जीविका कैसे चलाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, घर का कैसे चलाएंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहले हमको जमीन डूब क्षेत्र से बाहर ईंट भट्टा लगाने के लिए दी जाए, उसके बाद आगामी कुछ भी कार्रवाई जो भी करना हो शासन द्वारा की जाए। मैं चाहता हूँ कि निसरपुर के 110 कुमार परिवारों को पुनर्वास में अपने अधिकारों के साथ उनको न्याय दिया जाए, जिससे कि वो आने वाली बाढ़ से बचकर उससे पहले अपनी आजीविका का कुछ साधन कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारी मदद करें। धार जिले के पुनर्वास अधिकारी श्री अंबाराम पाटीदार, जिनका मोबाइल नंबर है 9424564476, पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं पवन सोलंकी, ग्राम निसरपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।